दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नियामतों के बराबर होती है, और इसीलिए आज हमने आपकी सेहत से जुड़ी तमाम बातों को आपको बताने के लिए और आपकी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करने के लिए आज हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है सीनियर आयुर्वेदिक चिकित्सक और डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक स्कूल के हेड ऑफ सर्जरी डॉक्टर अमर द्विवेदी जी को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आपका अभिनंदन आपकी नई उपलब्धि के लिए। आपने आयुर्वेदिक चिकित्सा में आपने नया कुछ डिवाइस आपने विकसित किया है, वो क्या डिवाइस है, कैसे काम करती है, हमारे दर्शकों को बताइए सर। जैसा आपने पूछा मेरे नए खोज के बारे में, तो मैंने एक ऐसी डिवाइस या यंत्र बनाया है जो भगंदर या अंग्रेजी भाषा में कहें तो फिस्चुला, इस बीमारी के ट्रीटमेंट में उसका उपयोग होगा। और इसका नाम है चार सूत्र कैरियर कम एप्लीकेशन डिवाइस। इस डिवाइस को मैंने भारत की जो बौद्धिक संपदा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से मुझे अभी अभी पेटेंट ग्रांट हुआ है, और बहुत ही निकट भविष्य में ये इसका उपयोग लोगों के लिए फिस्टुला की ट्रीटमेंट में की जाएगी। तो ये संपूर्ण भारत में आपका जो पेटेंट है इस्तेमाल होगा? बिल्कुल सर, एक बार इसके हमने ट्रायल ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। आयुर्वेद में जो एक चार सूत्र चिकित्सा बताई गई है, उसकी ट्रीटमेंट में इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा। तो ये पूरे देश में ही नहीं, मेरा तो मानना है कि वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा। जैसा आपने कहा कि चार सूत्र जो कैरियर कम जो डिवाइस है, ये क्या पहले इसके पहले कभी भारत में इस तरह के कोई प्रयास हुए थे, और ये कैसे काम करती है, ये डिवाइस कितना कारगर है इलाज में? सर मैं ये बताने से पहले थोड़ा सा हमको बीमारी के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। ये फिस्चुला या भगंदर नाम की जो बीमारी है, बेसिकली एक तरह का फोड़ा है जिसे हम एब्सेस कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये गुद परिसरीय भाग में यानी एनस के बगल में बटक एरिया में होने वाला एक फोड़ा है, जो आगे फूटने के बाद अंदर आंतड़ी में एक नली के रूप में जुड़ जाता है, और इस घाव से लगातार स्राव या पस डिस्चार्ज होता रहता है, पस का स्राव होते रहता है। तो इसकी जब ट्रीटमेंट की बात होती है, तो ट्रीटमेंट में मॉडर्न सर्जरी में फिस्चुलेक्टॉमी नाम का सर्जरी कराया जाता है। परंतु ये फिस्चुलेक्टॉमी करने में दो अड़चने हैं। एक तो इसका रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है, यानी करीब 3-15% लोगों को फिर से ये बीमारी हो जाती है आफ्टर सर्जरी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। तो आयुर्वेद में सर्जरी में एक अलग तरह की ट्रीटमेंट बताई गई, जिसका नाम है चार सूत्र चिकित्सा। अब जैसे कि नाम से ही आपके समझ में आएगा कि चार सूत्र यानी एक तरह का धागा है जिसके ऊपर दवाओं की कोटिंग की गई है, लेपन किया गया है, और ये जो धागा है ये इस भगंदर की नली में बांध दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे ये नली कट कर घाव भर जाता है। अच्छा, तो ये हो गई चार सूत्र चिकित्सा। अब चार सूत्र चिकित्सा की जो पारंपरिक विधि थी, जिसको हम कन्वेंशनल मेथड करते हैं, ये काफी पेनफुल प्रोसीजर हुआ करती थी। इसमें एक सुई के आकार के धातु से बना हुआ एक प्रोब या शलाका जैसे इंस्ट्रूमेंट होता था, उसमें ये चार सूत्र बांध करके इसको सुई को नली में डाल के इसको बांधा जाता था। अब ये बांधते समय कई बार होता था कि वो धागा स्लिप हो जाता था, कई बार ऐसा होता था कि धागा इन्फेक्टेड हो जाता था, कंटामिनेशन हो जाता था। कई बार प्रोसीजर जब उस धागे को बांध रहे हैं तो उसकी कोटिंग निकल जाती थी, तो वो बेअसर हो जाता था। इन सब चीजों को, इन कमियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसमें किसी अलग तरह के धातु की प्रोब की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ही चार सूत्र की जो गुणवत्ता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन बना करके उसको एक निर्जीवाणुकरण यानी स्टेराइल बनाया जाएगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर ही ये चार सूत्र होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से बड़ी आसानी से चार सूत्र को बांधा जा सकेगा, और ये यूजर फ्रेंडली डिवाइस होगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उनको पाइल्स की तकलीफ है या इस तरह की तकलीफें होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए कि उन्हें ये तकलीफ है?
सर आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है, इस बारे में अवेयरनेस या समाज में इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मुख्य रूप से गुद विकार या एनोरेक्टल बीमारियां जो हैं वो तीन ही पाई जाती हैं, एक होता है फिशर, एक पाइल्स जो आपने कहा, और एक भगंदर या फिस्चुला। अब इनको कैसे पहचाना जाए, तो फिशर जो है वो एक एकदम अलग चीज है, ये शौच के कड़े होने के वजह से, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसके वजह से कभी कभी घाव बन जाता है, अच्छा। इस घाव को ही फिशर कहा जाता है, जो हील हो जाता है दवाओं के माध्यम से वगैरह। बवासीर थोड़ी सी अलग बीमारी है, जिसमें लगातार कॉन्स्टिपेशन होने के वजह से अंदर की जो रक्त की वाहिनियां है वो डायलेट होकर के बाहर की तरफ निकल आती हैं, तो अच्छा। उसकी सर्जरी करनी पड़ती है एडवांस कंडीशन, उसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है। मोशन करते समय ब्लीडिंग होगा और कोई मस्सा जैसा चीज बाहर आएगा। अब भगंदर, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अलग बीमारी है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसमें शुरुआत में एब्सेस होता है, ये फोड़ा अगर सही समय पर ट्रीटमेंट किए जाए तो शायद दवाओं से, एंटीबायोटिक और पेन किलर से सूख भी जाता है, पर किसी कारण से संकोचवश अगर पेशेंट समय पे नहीं डॉक्टर के पास जाए तो ये फोड़ा फूट करके भगंदर में परिवर्तित हो जाता है। और ये अभी रिसेंटली हमने ऐसा स्टडी में देखा है कि कोविड काल में जब लोग मैक्सिमम समय घर में ही बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, यानी 8 से 10 घंटे एक ही जगह बैठना, इन सभी कारणों से इस तरह का फोड़ा फुंसी होना और भगंदर होने का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। अच्छा, तो इसका इलाज अब जिस डिवाइस, अब चार सूत्र जो ये डिवाइस है, इससे आसान है और ये क्या कितना खर्चीला है, उस अगर एलोपैथी के लिहाज से देखें तो? हाँ देखिए, अब जब फिस्चुला एक बार बन गया, उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशनली ट्रेन डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाते हैं, तो वो आपको बताता है कि भाई इसकी सर्जरी ऐसे ऐसे करनी है। जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसमें पूरा जो नली वाला भाग है वो काट के निकाल दिया जाता है, एब्सेस बना के ट्रीटमेंट हो जाती है, पर उसके प्रॉब्लम दो सबसे बड़े हैं, एक रिकरेंस और दूसरा कभी कभी वो नली काटते समय अगर स्फिंक्टर डैमेज हो जाए, यानी वो मांसपेशियां जो मल प्रवृत्ति को कंट्रोल करती हैं, अगर वो कहीं डैमेज हो जाए तो कभी कभी मोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है पेशेंट का, तो इस डर के वजह से ऑपरेशन कराने से डरते हैं लोग, इसलिए लोग फिर अल्टरनेटिव या चार सूत्र चिकित्सा की तरफ आते हैं। अब चार सूत्र चिकित्सा देखी जाए तो कंपेयर, तुलनात्मक तौर पर बहुत कम खर्चीली है, ना इसमें आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना है, आप वो धागा बांध कर बंधा रहेगा और आपके रूटीन काम सब कर सकते हैं, और रिकरेंस नहीं है और किसी तरह का स्फिंक्टर डैमेज होने के चांस नहीं है, तो ये सब प्लस पॉइंट है जिसके वजह से चार सूत्र चिकित्सा को प्रिफर किया जाता है। सर आजकल अगर देखें तो आप चाहे उसका कारण कुछ भी हो सकता है, खान पान हो सकता है, रहन सहन, तमाम लोगों को पेट की बीमारियां होती हैं, क्या जो फिस्चुला है या जो इसी से जुड़ी हुई भगंदी, जो पाइल्स और दूसरी बवासीर की बीमारियां, क्या ये इसका कारण मुख्य तौर पे खान पान है या रहन सहन है, क्या खास वजह है जिसके वजह से इस तरह की तकलीफें पैदा होती हैं और उस पर ध्यान देने की जरूरत है? सर ये दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि सारी बीमारियों का जो जड़ है वो आपकी जीवन शैली में जो बदलाव आया है और जो खान पान में बदलाव आया है, यही उसका मूल है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे आप लाइफस्टाइल कर रहे हैं कि आपको 8 से 10 घंटे बैठने हैं एक जगह पे, लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग करना है, खाने का समय सही समय नहीं है, अननेचुरल फूड खा रहे हैं, जो आजकल के जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होने के बाद से ही कॉन्स्टिपेशन और बाकी सारी तकलीफें शुरू होती है, जो आगे चल करके फिशर, पाइल्स या फिर भगंदर जैसी बीमारियों में परिवर्तित होता है। क्या सुझाव ऐसे लोगों को आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग संकोच के कारण इस तरह की बीमारियों को बताते नहीं और अगर उनको हो भी गया है तो जल्दी इलाज के लिए वो नहीं जाना चाहते, तो ऐसे लोगों को कैसे आप समझाना चाहेंगे कि वो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें और समय पर इलाज करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए किसी भी बीमारी को जितना जल्दी आप
पकड़ करके उसका इलाज करते हैं उतना ही आपका ठीक होने का प्रतिशत बढ़ जाता है। समाज में आपने सही कहा कि थोड़ा सा संकोच है, ये प्राइवेट पार्ट समझते हैं लोग कि मैं भाई एनल रीजन में या अपने गुद परचेरी भाग में कोई तकलीफ है तो वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इस संकोच के वजह से लोग थोड़ा बहुत सहन करते रहते हैं और इस दरमियान वो बीमारी अपनी एडवांस स्टेज में पहुंचती रहती है। तो मेरा सबसे यही बोलना है कि आपको जो भी तकलीफ है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन से शुरुआत हुई हो या मोशन करते समय दर्द होता हो या ब्लीडिंग होती हो या वहाँ कोई फोड़ा फुंसी जैसा लगता हो, आप जल्द से जल्द एक क्वालिफाइड डॉक्टर को अप्रोच करिए। क्वालिफाइड डॉक्टर से मेरा ये बोलना है कि जिन्होंने डिग्री ली हुई है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये पाइल्स बवासीर के जो आप देखते होंगे कि पब्लिक टॉयलेट में पोस्टर लगे रहते हैं कि आप बिना, बहुत सारे वैद्य हैं उसके लिए और बिना बंगाली डॉक्टर हैं, मदार क्लिनिक है, शाह बाबा बंगाली टाइप, तो लोग क्या करते हैं वहां जाके उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ चेक नहीं करेंगे, कुछ दवा दे देंगे, जो उनके पास पुड़िया है वो देंगे, उसी से ठीक हो जाऊंगा। तो ये अप्रोच बदलना पड़ेगा, आपको क्वालिफाइड डॉक्टर जो इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड हो, जिसने आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाई की है या जो भी मेडिकल कॉलेज से गया है, जिसके पास डिग्री है, ऐसे डॉक्टर से संपर्क करिए। पहला कांटेक्ट डॉक्टर आपका फैमिली फिजिशियन होता है, उससे मिलिए, वो अगर ठीक कर सकता है तो ठीक है, वरना वो हायर सेंटर में अपने स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। वहां पे आप अप्रोच करिए जहां पे आपका सही तरह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। आपको लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बेहद सावधानी की जरूरत है, और अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो निश्चित तौर पर इस लापरवाही के कारण मामला गंभीर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि मैं एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज ए सर्जन जुड़ा हूं, डीवाई पाटिल में आपने जैसे कहा, तो हमारे पास अक्सर पेशेंट जो आता है वो कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। तो उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो यही बताते हैं कि भाई हम फलाना डॉक्टर के पास गए थे जो बवासीर के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये दवा दिया वो दिया, फिर ये आज बढ़ गई बीमारी और अब उन्होंने हाथ उठा लिया है। तो ऐसी कंडीशन में वो फिर हमारे पास आते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि आप लोग कभी भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर देखिए जो जिसकी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हो, जिसने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, कम से कम वो आपका नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो बाकी का प्रचार है, और आप तो पत्रकार है जानते ही हैं कि मेडिकल का जो एक व्यवसाय है इसमें हम लोगों को एथिकल प्रैक्टिस बताई गई है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट करना या अपना पोस्टर लगवाना ये बैन है, ये लीगली ऑफेंस है। तो ये जो लोग कर रहे हैं ये एक एजेंट सिस्टम है उनकी पूरी, जो बस स्टेशन पे, बस डिपो पर, सार्वजनिक जगहों पे इनके एजेंट बैठे रहते हैं और वो पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, तो फिर वो झूठा एक ऐसे ड्रामा बनाएंगे कि हमको भी ऐसी तकलीफ थी, फलाना डॉक्टर के पास गए, ये पुड़िया दे दी, उससे ठीक हो गया। इस तरह से ये पेशेंट को डाइवर्ट, मिसगाइड करके ऐसे डॉक्टरों के पास ले जाते हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, जो जैसे मैंने कहा फिशर जैसी हल्की तकलीफ है तो शायद ठीक भी हो जाती है, जो बॉडी अपनी नॉर्मल हीलिंग करती है, पर भगंदर जैसी बीमारियों में ऐसा देखा गया है कि वो सेप्टिसिमिया तक चले जाता है, कैंसर तक हो सकता है, कई तरह के भयंकर उपद्रव हो सकते हैं। तो कम से कम आप लोग इन छद्मचर डॉक्टरों से बचें और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाएं। आयुर्वेद में किस तरह के अलग इंतजाम है कि एलोपैथी से बेटर इसका इलाज हो सकता है और विदाउट ऑपरेशन? मैं अगर एक ब्रॉड लेवल पे देखूं तो मैंने जैसे तीन बीमारियां आपको बताई हैं, फिशर, ये 100% दवा से ठीक की जा सकती है, प्रॉपर एलोपैथी की भी दवा है, आयुर्वेद में भी दवा है। इसमें आपको करना क्या है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना है, और कुछ घाव जो है उसको भरने की दवा देना है। तो ये तो दवाओं से साध्य हो जाता है, इसमें जनरली ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है बवासीर, तो बवासीर की चार स्टेज बताई गई है पाइल्स की, जिसे मूल व्याध कहा जाता है आजकल, या हेमोरॉइड अंग्रेजी हेमोरॉइड। तो इसमें पहली स्टेज तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होना, यही पहली स्टेज है। अच्छा। दूसरी स्टेज है जब मस्सा बाहर निकलता है और अपने आप अंदर चले जाता है। इन दोनों स्टेज में दवाओं से ठीक किया जा सकता है। तीसरी स्टेज ऐसी होती है कि वो मस्सा कंटिन्यू बाहर ही रहता है, उसको पुश करना पड़ता है हाथ से। ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अब आयुर्वेद में भी
एडवांस स्टेज में सर्जरी ही बताई गई है जिसमें मस्से को बांध के निकाल दिया जाता है। अच्छा। तो ये कोई एकदम अलग ट्रीटमेंट नहीं है मॉडर्न और आयुर्वेद में। फर्क सिर्फ भगंदर में है, भगंदर या फिस्टुला एनेनो में, एलोपैथी में मेन जो ट्रीटमेंट है उसे फिस्टुलेक्टॉमी कहा जाता है। अच्छा। जिसमें उस फोड़े को काट करके नली के साथ पूरा निकाल दिया जाता है, उसके बाद काफी बड़ा घाव रहता है, वो घाव करीब 6 से 8 हफ्ते में भरता है। अच्छे से अच्छे सर्जन भी गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि मिनिमम 3% से लेके 15% तक रिकरेंस के चांसेस है आफ्टर सर्जरी। अब एलोपैथी में भी काफी डेवलपमेंट हुए हैं, आजकल लेजर सर्जरी काफी प्रचलित है। तो ये कंपेरेटिवली अच्छी है सर्जरी के तुलना में देखी जाए तो, इसमें रिकरेंस रेट कम है, लेकिन श्योर ट्रीटमेंट नहीं है, फिर से हो सकता है और स्फिंक्टर डैमेज होके इनकंटिनेंस यानी मल विसर्जन का कंट्रोल जा सकता है। ये बाउंड है, मतलब ये एलोपैथी सर्जरी में होना ही होना। हाँ। आयुर्वेद की जो शारसूत्र चिकित्सा है ये तुलनात्मक रूप से देखें तो इसमें कोई घाव कर नहीं रहे हैं। अच्छा। आप सिर्फ जो बाहर का ओपनिंग है, जो छेद है जहां से घाव मस पस निकल रहा है। हाँ। वहां पे ये आपको धागा अंदर डाल करके और उसको बांध देना है, और इस धागे के ऊपर जो कोटिंग है दवाओं की वो अल्कलाइन होती है, यानी क्षारीय गुणधर्म वाले। हाँ, हाँ। जिसके वजह से ये घाव धीरे धीरे छिलते जाता है। अच्छा। और छिल के भर जाता है। अच्छा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिस्टुला के लिए आप सर्जरी करने के बजाय शारसूत्र चिकित्सा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आपको सेहतमंद रहना है तो थोड़ा सावधानी और सतर्कता बरतनी जरूरी है। खासकर ऐसी बीमारियों में क्या प्रमुख सावधानी होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा ये बताया कि आयुर्वेद का जो एम है, आयुर्वेद शास्त्र जो अब आप पढ़ेंगे तो उसका पहला एम ही यही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। तो आयुर्वेद का अप्रोच हमेशा वही होता है। तो उसका अप्रोच स्वस्थ रक्षण से क्या है कि जिस वजह से जो बीमारी हो रही है उसको अवॉइड करना है। अब हम आते हैं एनोरेक्टल बीमारियों की तरफ, अगर हम फोकस करें फिस्टुला, पाइल्स और फिशर की, तो इसमें मुख्य कारण है खान पान के अंदर होने वाला बदलाव। तो हम अगर अपने खान पान को सही रखें, जो हमारा नैसर्गिक खान पान है उसको पालन करें और अननेचुरल फूड हैबिट्स को अवॉइड करें, अपनी दिनचर्या को सही रखें। आपका एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः जीर्णोद्धार। उसका मतलब ऐसा है कि अगर आप जो खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, पच गया, हाँ। सुबह उठने के बाद आपकी अच्छी डकार आ रही है और आपको फ्रेश लगता है तो आप स्वस्थ हैं। इसके लिए आपको आयुर्वेद में बताई गई जो दिनचर्या है, सुबह सूर्योदय के समय उठना, दोपहर में अपना जो भी जीवन यापन के लिए काम करना, जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करें, जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करें, शाम का खाना भी सूर्यास्त के समय खा लें ताकि सूर्य के वजह से जो गर्मी रहती है उससे डाइजेशन में हेल्प होता है। अच्छा। आजकल हो रहा है ऐसा है कि जॉब पैटर्न के वजह से या लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उससे लोग रात को 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, तो डाइजेशन नहीं होने से फिर वो एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना और वहीं से फिर बवासीर होना, फिशर होना, ये शुरू होता है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जो सैल्यूटरी लाइफस्टाइल है, जो आदर्श जीवन शैली है, उसका पालन करें, दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से खान पान रखें, तो निश्चित ही आप एक स्वस्थ और दीर्घायु की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या आयुर्वेद भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति है? पौराणिक कथाएं हैं कि लोग 1000 साल जीते थे और इतने बलशाली और स्वस्थ होते थे। क्या आज के दौर में आयुर्वेद जो है एलोपैथी से बेटर है और इसका इस्तेमाल करके ज़्यादा सेहतमंद तरीके से जिया जा सकता है? आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि डेफिनेटली आयुर्वेद ये भारत की धरोहर है। हमारा सौभाग्य है कि 2014 से जब से केंद्र सरकार में परिवर्तन आया है उसके बाद से पहली बार आज़ाद भारत में एक सेपरेट मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। पहले जो आयुर्वेद की पैथी काउंसिल हुआ करती थी वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट हुआ करता था। परंतु आपने देखा है कि अभी की जो केंद्र सरकार है इनका आयुर्वेद और योग पर
प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा फोकस है। योग को तो उन्होंने इंटरनेशनली ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करा दिया है। और अगर आप पॉलिसी देखते हैं तो कुछ हाल में ऐसे पॉलिसीज लिए गए हैं, जैसे उन्होंने एक नीति आयोग के अंडर सेपरेट कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ये कमीशन का काम ही यही है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करिए और आयुर्वेद को जन सामान्य तक पहुंचाइए। अच्छा। अभी हाल में जो आजादी का अमृत महोत्सव का एक ड्राइव शुरू है, इसमें सभी आयुर्वेद कॉलेजेस को ऐसा पत्र और रिक्वेस्ट आया है पीएमओ ऑफिस से कि आप लोग कम से कम 100-100 स्कूलों में जा करके आयुर्वेद के प्रति जागरूकता लाइए, आयुर्वेद चिकित्सा को यूज करने के लिए लोगों को उनका बेनिफिट बताइए। तो इन सबको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि बाकी तो पता है नहीं, पर आयुर्वेद के अच्छे दिन आ गए। आयुर्वेद के अच्छे दिन तो मैं यही भरोसा करूंगा कि आने वाले दिनों में आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का दर्जा मिले और आयुर्वेद को भारत ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पे मान्यता मिले और आगे चल करके सभी लोगों को एक, जो आपने कहा कि कलयुग में 100 साल की उम्र बताई गई है, तो ये तभी हासिल हो सकता है जब आप स्वस्थ रहें, आप बीमार नहीं पड़े। और बीमार नहीं पड़ने के लिए आपको आयुर्वेद की जीवन शैली और खान पान का पालन करना है, पालन करना और बिना दवाओं के ही आप स्वस्थ रह सकेंगे। चुनौतियां किस तरह की हैं डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक एलोपैथी के सामने आयुर्वेदिक चिकित्सा की चुनौतियां कौन सी हैं? सर, चुनौतियां तो डेफिनेटली हर रास्ता जो है उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान होता ही है। मैं ये बोलूंगा कि कोई भी पैथी छोटी या बड़ी नहीं है। मॉडर्न पैथी जिसे हम एलोपैथ कहा जाता है, इसका इतिहास 200 वर्ष का है। अच्छा। आयुर्वेद का इतिहास 5000 साल का है। अगर मैं थोड़ा सा समय दे तो बताऊंगा कि जब सृष्टि की रचना की गई है, एक सनातन धर्म में कहा गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया, तो जिस तरह से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मोटरसाइकिल बनाती है कंपनी, तो उसके साथ एक मैनुअल बना के दे देती है कि आपके डैमेज होने पर ये ऐसे ऐसे ठीक करना है, ऐसे ही आयुर्वेद आया है, अनादि काल से चलते आया है और उसमें ये सारी चीजें बताई गई है। ये तो हो गया कि कौन पुराना है वगैरह, पर मेरा आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है कि मेरा पर्सनल ये मानना है, बिकॉज मैं एक मेडिकल फील्ड में हूं और टीचिंग प्रोफेशन में भी हूं, तो डेफिनेटली एलोपैथी कुछ चीजों में अवश्यंभावी है, उनका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी मैनेजमेंट जिसमें होता है किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के मैनेजमेंट के लिए उनके पास अच्छी ट्रीटमेंट है, एक्सीडेंट्स है, सर्जरी में भी काफी उन्नत हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट से लेके हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, सब चीजें हो रहे हैं। तो जो इमरजेंसी कंडीशन है उसके लिए डेफिनेटली, और इन्फेक्शन से रिलेटेड, उसमें एलोपैथी का वरद हस्त है, वो सुपीरियर है, मैं ये मानता हूं। परंतु जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है या मेटाबॉलिक डिजीजेज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, जो शारीरिक क्षय प्रक्रिया डिजनरेशन के वजह से, एजिंग इफेक्ट के वजह से, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों में डेफिनेटली एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेद में अच्छा मैनेजमेंट है। मैं मैनेजमेंट शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं कि आयुर्वेद ऐसा बिलीव नहीं करता है कि ये टेबलेट लो और ये इससे आपकी शुगर कम हो गई। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन है, होलिस्टिक मेडिसिन है, जिसमें आपका खान पान भी पूछेंगे, आपकी जीवन शैली भी बताएंगे और कुछ दवाएं भी देंगे जिससे जो आपके सिस्टम में गड़बड़ी है उसको ठीक किया जा सके। तो इस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में डेफिनेटली एलोपैथी सुपीरियर है। और जो अन्य बीमारियां हैं जो आजकल जीवन शैली और खान पान के वजह से हो रहे हैं, इनमें डेफिनेटली आयुर्वेद का अपर हैंड है। मतलब आयुर्वेद को ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीट, एक तरह से संपूर्ण निदान वाली चिकित्सा पद्धति है। अगर ये जो सामान्य बीमारियां इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो जो सीरियस बीमारियां हैं जिसके लिए एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है, निश्चित तौर पर उसकी नौबत ही ना आए। डॉक्टर साहब, क्या संदेश आप देना चाहें, क्योंकि लंबे समय से आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तमाम मरीजों का आपके पास अनुभव है, तमाम ऐसे आज भी ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि किस डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे ताकि लोग जो अच्छे डॉक्टरों की तलाश में हैं वो आप तक पहुँच जाए? देखिए, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ गया है। लोग एक्चुअली सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल में नियर बाय डॉक्टर, नियर बाय कंसल्टेंट कौन है। पर मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग गूगल डॉक्टर से बचें।
गूगल डॉक्टर से बचे, मतलब अगर लोगों का एक टेंडेंसी है लूज मोशन सिंस 5 डेज ट्रीटमेंट, तो तुरंत उसमें गूगल में आ जाएगा ये दवा लेनी है, पर वो दवा लेने से उसका क्या विपरीत परिणाम हो सकता है, कितने दिन लेना है, उसकी कुछ साइड इफेक्ट हो गई तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, ये सब चीजें वहां नहीं रहती है। तो मेरा यही बोलना है कि जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके मार्गदर्शन में ही आप ट्रीटमेंट लीजिए, और अगर अपने जीवन शैली को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान होना चाहिए। आपके आसपास में आजकल बहुत सारे आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे पंचकर्म सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेद के MD डॉक्टर बैठते हैं, उनसे मिल करके आप एक जैसे काउंसलिंग की जाती है वैसे आप उनसे अपना सलाह ले सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये क्या पंचकर्म, आपने एक अच्छा नाम ले लिया, मैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए बताइए कि पंचकर्म क्या है, क्या ये भी आयुर्वेदिक आयुर्वेद की कोई अलग से कोई चिकित्सा पद्धति, अलग से कोई सेगमेंट है ये? जी सर, आयुर्वेद एक कंप्लीट शास्त्र है, जैसे मेडिकल सब कॉलेजेस होते हैं उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, बाल रोग होता है, स्त्री रोग होता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है, इसी तरह आयुर्वेद में भी 8 अंग बताए गए हैं, उसमें जो काय चिकित्सा सब्जेक्ट है, अच्छा, जिसे हम इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, उसी के अंतर्गत 2 तरह की ट्रीटमेंट की जाती है। एक तो होती है कि जो आपके बढ़े हुए दोष हैं या जो सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए दवा देना, अच्छा। एक दूसरा पार्ट इसका ऐसा है कि जो शरीर में टॉक्सिन्स है, जो अवांछित तत्व जमा हो रहे हैं इनडाइजेशन के वजह से, या जिसको हम बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, इन सबको शरीर से बाहर निकालना, जिसके लिए एक बड़ा सिंपल और सादा वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये जो पंचकर्म चिकित्सा है ये 5 अलग अलग थेरेपी है, अच्छा। जैसे एक थेरेपी है वमन कर्म, अच्छा, वमन कर्म यानी कुछ दवाएं पिला करके आपसे उल्टी करवाएंगे, अच्छा। तो आपने नेचुरली भी देखा होगा प्रकृति में बिल्ली वगैरह जो जानवर होते हैं, अगर उनको कुछ ये हो जाए तो कुछ ऐसी क्रिया करके उल्टी करके निकाल देते हैं, वोमिटिंग करते हैं, हाँ। तो ये वमन कर्म, ये एक पंचकर्म हुआ। ऐसे ही है कि विरेचन कर्म, विरेचन कर्म अगर वही पेट का डाइजेशन बहुत प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो कुछ जुलाब देने की दवाएं दे, जैसे आपने बताया कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रहा है तो ऐसे कुछ दवाएं दिए जिसे जुलाब होके पूरा जो आपका गट है या जो आंतड़ी है वो पूरी साफ हो जाए, अच्छा। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। ऐसे ही एक रक्त मोक्षण चिकित्सा है, यानी आपके ब्लड शरीर से कुछ ब्लड निकाला जाता है, जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं उसी तरह के कुछ ब्लड निकालने से जो ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर निकल जाते हैं, अच्छा। ऐसे ही आपने बड़े बड़े आजकल बैनर देखे होंगे शिरोधारा, हाँ, यानी हाँ, पेशेंट सोया है, हाँ, और सर पे एक मटका जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ तेल जैसा गिर रहा है, तो ये जो है ये शिरोधारा उसका नाम बताया गया है, अच्छा। तो जो सर से रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर है, तो इन बीमारियों के लिए ये शिरोधारा नाम का जो कर्म है ये बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से बस्ती चिकित्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा। है बस्ती चिकित्सा यानी एनिमा जिसको हम मॉडर्न में बोलते हैं, कि गुदद्वार से कुछ दवाएं अंदर डाली जाती हैं और वो वहां से सब टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, हाँ। तो इस तरह से ये पंचकर्म चिकित्सा है जो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि साल में एक बार अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई जरूर करना चाहिए, उसमें भी उन्होंने काल बताया है, जैसे अभी वसंत ऋतु आने वाली है तो वसंत ऋतु में वमन कर्म के लिए प्रेफरेंस दिया जाना, अच्छा। चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कफ वाली समस्या जो होती है बलगम, कफ, साइनस, एलर्जी, ये इसी ऋतु में होती है, क्योंकि ऋतु चेंज हो रहा है, तो इसमें वमन कर्म करा लेते हैं अगर साल में एक बार, तो आपको ये सर्दी, जुखाम, अस्थमा, दमा, एसिडिटी, ये सारी बीमारियां कम हो जाएंगी, अच्छा। तो इसी तरह से बारिश के दिनों में उन्हें एनिमा लेने को बोला है, क्योंकि उनका बोलना है कि वायु का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है ठंडी के वजह से, हाँ, शीत, हाँ, तो वो एनिमा से वो ठीक होता है, अच्छा। तो इस तरह से वो सीजनल रेमेडीज है, और पंचकर्म का डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेडिसिन में बहुत फायदा है, इसमें आपको बीमार होने पर कराना नहीं है, जब आप स्वस्थ हैं तब अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने, मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आई होगी आज पहली बार कि पंचकर्म क्या है और कैसे आयुर्वेद के जरिए आप पूरे कंप्लीट एक तरह से ट्रीटमेंट है। पहले ही जो जो कहा गया है कि
आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मुझे लगता है पंचकर्म जो है यही यही आपको मैसेज देता है कि आप स्वस्थ हैं उस दौरान अगर आप अपनी जांच पड़ताल करवाते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लंबे समय तक स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो आपने डिवाइस क्षारसूत्र जो कैरियर और कम डिवाइस है इसके बनाने के बाद आपके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी आई हो सकती हैं कि जिस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा को और समृद्ध किया जाए, नया क्या आपके मन में है, क्या ऐसी कमी आपको लग रही है कि उसके लिए भी काम कुछ करना चाहिए और ऐसी तरह के डिवाइस जो है बनाया जाना चाहिए? पहली बात तो मैंने ये आपको बताया कि समाज में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के बहुत अच्छे और सादे तरीके बताए गए हैं, इसलिए आयुर्वेद की तरफ अपना रुझान कीजिए। दूसरी बात जो डिवाइस से रिलेटेड बताया, तो ये मैंने एक भगंदर बीमारी है, चूँकि मैं स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ तो मैंने मुझे लगा कि ये कमियाँ हैं, इसको कैसे दूर की जाए और ये ऐसा कुछ किया जाए कि जो एलोपैथी के सर्जन भी इसे एक्सेप्ट कर सके। तो इस दायरे को देखते हुए मैंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, जो काफी बड़ी जर्नी है वो फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बताया मैंने 10 साल का समय लगा मुझे इसके डेवलपमेंट से लेके पेटेंट मिलने तक, काफी पैसे भी जाते हैं उसमें, समय जाता है, क्योंकि ये नेशनल एजेंसी है सेंटर की जो ये देती है, जो कई बार आपके अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कोर्ट में केस चलती है वैसे हियरिंग होती है, उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, कुछ लोगों के क्लेम रहते हैं कि ऐसा तो कुछ पहले भी था तो अभी नया क्या है, तो ये सब चीजों से आपको गुजरने के बाद अल्टीमेटली पेटेंट मिलता है। तो ये तो भगंदर से रिलेटेड हुआ, मेरी यही मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे आपको एक पंचकर्म बताया, ऐसे ही कुछ और मिरेकल ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा लीच थेरेपी, बहुत एलोपैथी में मॉडर्न में इसका बहुत प्रचलन है, लीच पद्धति का। अच्छा। लीच यानी जोंक। अच्छा। जो गांव में आप अगर ग्रामीण भाग में जाएं तो जानवरों को पकड़ लेते हैं और वो खून चूसती है। चूसते हैं बिल्कुल। तो ये एक आयुर्वेद की सेपरेट स्पेशलिटी है लीच थेरेपी, जिसको हम जलोका वचरण बोलते हैं। अच्छा। तो इसके माध्यम से जो खराब खून है उसको शरीर से बाहर, जैसे फोड़ा फुंसी भी होती है आपको, तो ये जोंक लगा दीजिए तो किसी दवा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। या अर्थराइटिस जैसी बीमारी है जिसमें आपके जोड़ों में जकड़न है, वहां पे ये जोंक लगा दीजिए, आपका पूरा दर्द खत्म हो जाएगा, किसी पेन किलर की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और एक ट्रीटमेंट है अग्निकर्म। अच्छा। आपने सुना होगा हीट थेरेपी, उसको कॉमनली बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, गांव में आप देखते होंगे कि कहीं पेट में या कहीं दर्द हो रहा है तो लोग धातु का या सिक्का गर्म करके दाग देते हैं। हाँ, दाग देना उसको बोला जाता है, दागना बोलते। तो इसको अग्निकर्म चिकित्सा, ये भी एक सेपरेट ट्रीटमेंट है पंचकर्म जैसे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, स्पेशली जो ज्वाइंट डिसऑर्डर है जिसमें पेन है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है। अच्छा। अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, ये सारी वेरी बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों में इस अग्निकर्म ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मेरा भविष्य में यही प्रयास रहेगा कि ये जो पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स है, लीच थेरेपी हुई, अग्निकर्म हुआ, क्षार कर्म हुआ, इन सब चीजों के प्रति लोगों के इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना और इसका बेनिफिट लोग उठाएं, जो बहुत ही कम पैसे में मिलने वाली चीजें हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन चीजों का। तो भविष्य में स्वस्थ भारत के लिए आयुर्वेद एक पर्याय है, तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि आयुर्वेद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थान मिले। इसे संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? आप लोग बहुत अच्छा उपक्रम कर रहे हैं कि इस तरह के विषयों को जिनका संबंध सीधे सीधे जनता के साथ है, निस्वार्थ भाव से आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म दीजिए जिसमें अच्छे स्पेशलिस्ट दें, जिसका जिनके ज्ञान का फायदा लोगों को मिले, और टीवी वन इंडिया अपने इस पहल को लेकर के देश में एक अपना सबसे लोकप्रिय चैनल बने, यही मेरी शुभेच्छा है सर। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे आपको स्वस्थ और खुशहाल रख सकती है, डॉक्टर साहब ने तमाम बीमारियों के बारे में बताया, खासकर जो फिस्टुला है, भगंदर है, पाइल्स है, उनका जो वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो कैसे आप आसानी से एक्सपर्ट डॉक्टर के, विशेषज्ञ चिकित्सक के, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेकर उनकी निगरानी में कैसे आप अपने बीमारी का इलाज करा सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी और चाहिए या कोई आप शिकायत या सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो जो हमारे नंबर है चैनल के उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब का भी नंबर देने की कोशिश करेंगे ताकि
आप उनसे सीधे संपर्क कर सकें और आप आपकी जो तकलीफ है उसका निदान करने में आपको मदद मिल सके। आज हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। नमस्ते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।